हेलो सब लोग। तो आज मैं आटा गूंद रही हूँ और मैं भी बिगिनर हूँ आटा गूंदने में। तो मेरा आटा हमेशा परफेक्ट नहीं बनता जैसे मम्मा दीदी बनाती है। तो अब तो ठीक ही लग रहा आटा आटा। तो इसके बाद आटे के साथ मैं रोटी बनाऊंगी। आटा गूंदते हुए कितना टाइम हो गया आप? कितना टाइम गूंदा आपने? 10 मिनट्स शायद। 10 टाइम? हाँ। ओके, अब तो ठीक गूंदना चाहिए। ठीक गूंदना चाहिए। हाँ। मैं थोड़ा सा आटा लगा रही हूँ उंगली में, तो ये नहीं चलेगा। ले जाओ, थोड़ा सा लेना। इसको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे आटे में डालेंगे इसको बेलन के साथ। फिर ऐसे इसको बेलन के साथ करना है। तो तुम और आटा डाल दो, इसे रख दो। ये मेरी दूसरी तीसरी टाइम है शायद रोटी बनाने में। तो अभी मैं बस शुरू कर रही हूँ कुकिंग बिजनेस बनाने में। किसमें? कुकिंग बिजनेस। कुकिंग बिजनेस? ओह गॉड, कुकिंग बिजनेस। जब घर पे होगा नहीं, कोई होगा नहीं, तो कौन बनाएगा रोटी? रिद्धिमा खुद बनाएगी। और ये रिद्धिमा के लिए बर्तन भी रखे हुए हैं, ये बर्तन रिद्धिमा धोएगी। और वॉशिंग मशीन में थोड़ा कपड़े भी हैं, वो सुखाएगी। थोड़ा बिजी रहेगी दीदी। मैं हाँ, थोड़ा और खोलो इसको। इट्स नाइस रोटी, अच्छी बन रही है। अभी कितने एज के हो गया? 12 11 11? मैं सोचा 12 के हो गए। चलो 12 के तो होने वाले। 12 ईयर में रोटी बना रहे हो तो अच्छी बात है। उसको। ये सबको बनानी चाहिए, हर बच्चे को बनानी चाहिए घर में रोटी। कभी भूख लगे तो खुद ही बना लो, ऐसा नहीं कि मम्मी बनाएगी, डैडी बनाएगी, सिस्टर बनाएगी, और जिसके घर में दादा दादी नाना नानी वो बनाएंगे। खुद बनाना सीखो, ये तो आपका घर का काम है, ज़रूरी है। आजकल के बच्चे बहुत नाइस। आजकल के बच्चे टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये अच्छी बात नहीं। सही है, सही है। गैस तेज करो, गैस तेज भी होना चाहिए। तब तक बेल दूसरी गोली बनाओ। तब तक दूसरी गोली बनाओ। हाँ, ये तो एक वो होता है स्टेप बाय स्टेप। इधर आपने रोटी रखी हुई है चूल्हे में, उधर गोली बनाओ। शुरू में गैस कम होता है, बाद में गैस तेज करो।
हाँ ठीक है। जब एक दो बार हार चलेंगे ना आपके, हार चलेंगे हाँ तवे में, फिर उसे भी सीखता आगे। हाँ हाथ जलते हैं फिर सीखते हैं, ये आपको पता ही है, आपको सिखाया था ना मैंने तो। ओ वाह क्या बनाया ये, ऐसे आज सिखाया ना मैंने आपको कैसे बनाते हैं। कभी दीदी ने सिखाया, मम्मा ने कभी सिखाया नहीं, सिखाया पर तरीके से नहीं सिखाया ना, सिखाओ तो तरीके से सिखाओ, खुद बनाओ, बच्चे से खुद बनवाओ कि खुद बनाओ भाई, तब पता चलता। गैस कम कर सकते हो आप अगर आप बेलने में बिजी हो तो। बस रोटी जल जाएगी ऐसे, चल चल बेल बेल, कोई बात नहीं। आज काफी सीखा रिद्धिमा ने, यहाँ देखो यहाँ भी नजर रखो तवे में, यह नजर रखनी पड़ेगी बाबू। हाँ पक गई रोटी ये वाली, देखो खुद ही बड़ी हो रही है, फूल रही है। जल्दी जल्दी करना होता, जल्दी जल्दी उस तरफ तो कुक हो गई है। हाँ अभी इस साइड है, दो चार पलटी मारनी पड़ती है, अपसाइड डाउन करो दो चार बार, बस नाइस। आज बहुत टेस्टी लगेंगी ये खुद बनाई हुई रोटी। वैसे हाइट भी ठीक ही है किचन के आपके हिसाब से, रोटी बनाने के लिए भी। तो आप मैसेज दे सकते हो कि हर बच्चे को रोटी बनाए तो, और खाना भी बनाए, चावल भी बनाए। तो हर बच्चा है जो यहाँ पे देख, तो इसको देख रहा है, खाना बनाना सीखो। इसलिए अगर आप घर पे अकेले हो गए तो फिर कौन बनाएगा खाना। सही बात है, भूखे रहोगे तो भूखे मर जाओगे। बहुत अच्छा। तो जितनी भी आपकी रोटी टेढ़ी बनेगी, रोटी तो बनेगी। वाह ये सही जवाब। दीदी भी तो ऐसे सीखी, दीदी भी तो ऐसे सीखी, ऐसे सीखी बस धीरे धीरे, टेढ़ी बंगी कच्ची, थोड़ा वैसा डालना सीखो अभी जैसे मम्मा डालती है, कोई बात नहीं, सही है सही है, इट्स गुड परफेक्ट। पहली बार गैस कम रख सकते हो आप, और ध्यान दूसरे पेड़े पे रखो और रोटी इधर बनाते रहो। गैस कम कर दो, रोटी बनाओ, रोटी बनाओ, रोटी खाओ। और मैं रिद्धिमा का बापूजी रिद्धिमा को रोटी बनाना सिखा रहा हूँ आज, और ये रोटी बनाने का एंजॉय ले रही है, और चावल भी खुद ही बनाती है, तो उसका दाल बनाना सिखाएंगे। ठीक है मुन, टंड करो रोटी, टंड करो, गैस कम करो, फर्स्ट टाइम गैस कम रखो, ठीक है। चलो आज इतना ही बहुत है।